छोटी सी एक स्टोरी है एक स्कॉलर की, आई एम गोइंग टू शेयर। वो औरत थी और वो औरत जो थी वो सुबह सुबह नमाज पढ़ के अपने घर के बाहर बैठ जाया करती थी। उसके सामने एक औरत रहा करती थी जो कि जिस्म फरोश थी। उसके घर में लोगों का ताना लगा रहता था, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उसका काम था, उसका बिजनेस था, एंड शी वॉज डूइंग इट फॉर वट एवर रीजन्स शी वॉज डूइंग दैट। और वो जब नमाज वगैरह पढ़ के कुरान पढ़ के बाहर आके बैठ जाती थी, एंड शी यूज़ टू काउंट द पीपल। वो एक बोल के अंदर वो जितने लोग आते थे वो पकड़ पकड़ के वो डालती जाती थी, वो पेबल्स जो स्टोन्स होते हैं उसको डालती जाती थी। और जब रात होती थी तो वो सारे स्टोन्स एंड शी से इतने लोग आए एंड ऑल दैट स्टफ़। जब अल्लाह की बारगाह में वो औरत गई तो जो जिस्म फरोश थी वो भी ऊपर जब अल्लाह के पास गई, और वो इबादत गुजार औरत भी जब गई तो जो इबादत गुजार औरत थी उसको सर के बालों से पकड़कर जहन्नम में लेके जाया जा रहा था। तो वो रोना शुरू हो गई, उसने शिकायत की, उसने शिकवा किया कि अल्लाह मैं सारी ज़िंदगी आपकी इबादत करती रही हूँ, मेरे साथ ये होगा, मुझे यहाँ पर लेकर जाया जाएगा। तो आवाज़ कुदरत आई कि जो आमाल तेरे जो भी इबादतें तेरी थी वो सारी उस बंदी के खाते में चली गई जो वो बुरे काम करती थी, और जो वो बुरा करती थी उसके सारे अमाल तुम्हारे खाते में आ गए। Why? Only because of one reason, because you used to keep an eye on her. Let's question ourselves. Are we doing the same? Hopefully, we are not doing that. कोई क्या करता है उसकी क्या मजबूरी है, वो किस लिए कर रहा है।